इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। मध्य प्रदेश में उज्जैन पुलिस ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हो गई। यहां अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। इस बवाल में जेसीबी चालक समेत 9 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। वहीं हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को भी बल का प्रयोग करना पड़ा। मामला उज्जैन जिले के घटिया तहसील के छितरखेड़ी का है, जहां पुलिस और प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। दरअसल किसी ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर तार फेंसिंग की हुई थी। इस अतिक्रमण की शिकायत पुलिस को गांव वाले ने ही की थी। पॉइंट ऐसा है कि सरकारी जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण करे जाने की सूचना प्राप्त एसडीएम को हुई थी। एसडीएम और एसडीओपी साथ में उस मौके पर गए थे और जेसीबी के माध्यम से वहां पर जो अवैध लोगों ने जो निर्माण जो बाउंड्री वॉल बनाई थी उसको सिर्फ तोड़ा गया था। तोड़ने के पश्चात जब वापस टीम लौट रही थी, तब गांव के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां पर पत्थर मारे गए, जिसमें कि जेसीबी का कांच फूटा और एक थाने की गाड़ी फूटी है। साथ में हमारे पुलिस के कुछ साथी अधिकारी के भी घायल होने की सूचना प्राप्त हुई, जिनको पत्थर लगे हैं। FIR दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और अभी वर्तमान में गांव में खैरियत है। तो जैसा भी जो भी कानून जिन्होंने हाथ में लिया, सभी के विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई हम लोग संपादित करेंगे। वहीं शिकायत के बाद पुलिस बल के साथ टीम मौके पर पहुंची थी। जब तार फेंसिंग को हटाकर टीम वापसी के लिए रवाना हो रही थी, इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने पहले जेसीबी पर और फिर पुलिस की टीम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां तनाव के हालात बढ़ गए। गांव में हुए इस बवाल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि गांव के लोग अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पत्थर फेंक रहे हैं। वीडियो में महिलाएं और बच्चे भी पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। खबर है कि SDM संजय साहू और पुलिस अधिकारियों की गाड़ी पत्थरबाजी के बीच फंस गई थी, जिन्हें किसी तरह उनके सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित गाड़ी में बैठाकर वहां से निकाला। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।